तो भाई सारे खर्चे नितिन कर रहा था, नितिन बताएगा अभी किस किस चीज का कितना लगा। तो भैया मेरे ये बता कि तूने उसे गाइड कितने में सेट हुआ? गाइड जी देखो, मांगने को 500 रुपए मांग रहा था, लेकिन हमने सेट कर लिया तो उसको 250 में। मगर हमने फिर उन्होंने बहुत अच्छा हमको गाइड किया, बताया उन्होंने, तो हमने उनको 300 रुपए 300 दे दिए जी। उन्होंने 300 में बात करी थी, लेकिन हमने 250 में करा था, लेकिन हमने 300 ही दे दी उनको। और फिर अपना टिकट कितने की पड़ी पर पर्सन? 12 रुपए के टैक्स के साथ में। 12 रुपए के टैक्स के साथ, भाई बढ़िया है। तो भाई आज का एक्सपीरियंस अपना अच्छा रहा, अभी चलते हैं छतरी और वहाँ पे जाके आप लोगों से मिलते हैं, वहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। बहुत ही चीप है यार, बहुत ही सस्ता है, मतलब बहुत हर चीज़ टिकट्स वगैरह बहुत ही सस्ती है, तो आपको किसी भी तरह का ना एक्सपेंसिव नहीं लगेगा बिल्कुल भी यहाँ पे। भाई ओरछा की ये खासियत है सबसे बड़ी कि आप है ना कुछ भी जाओ कहीं भी जाओ एक ही टिकट लगेगी, एक टिकट ले ली पूरे ओरछा घूम लो उससे सारे महल वहल सारे मॉन्यूमेंट्स। उसके बाद पार्किंग की भी टिकट हर जगह वैलिड है। अभी हमें एक भैया थे, हमने सॉफ्टी ली थी और बादाम शेक लिया था, उन्होंने बताया तो काफ़ी दिल पे अच्छा लगा, क्योंकि यार यहाँ पे खर्चा नहीं होता एक्चुअल में, है ना, बस आने जाने का खर्चा है, बाकी तो कोई खर्चा ही नहीं है। अभी शाम को जाएंगे रिसॉर्ट में, रिसॉर्ट का तो होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ वैसे कोई खर्चा नहीं है भाई, एक ही टिकट में पूरी ओरछा घूम लो, इससे बेस्ट क्या है। बेतवा नदी यार, वो डैम पे कब जाएंगे? सामने सामने दिख गई छतरी। इधर भी साउंड एंड लाइट शो होता है, ये आ गई छतरियां, गौरी की हवेली। तो भाई ये लोग थक गए हैं बुरी तरह और इनका मन नहीं है छतरी जाने का, इसका भी यही हाल है, सब थक थका के बैठ गए हैं। सबका सबका एक ही हाल है, तो ये एक बार बैठ गए लेट गए अमर महल यहाँ पर, अपना वो देखना, अपना तो यहाँ चलना तो पहले, तो गए सब, अपना नहीं जा रहे हैं, कल सुबह देखेंगे अगर जाना हुआ तो, क्योंकि हमारा सारा आर्किटेक्चर हम सिमिलर हम मतलब देख चुके हैं एक तरह से, तो थोड़ा थक गए हैं बहुत ज्यादा, तो अभी निकल रहे हैं रिजॉर्ट की ओर। तो गाइस फाइनली रिजॉर्ट में आ चुके हैं और यार बड़ा डिफरेंट है, एकदम अलग है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं आगे का व्यू। और हमारे कॉटेजेस हैं, हमने रूम साइड नहीं लिया क्योंकि हमें रूम से ज़्यादा कॉटेज में रहने में इंटरेस्ट था, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा व्यू है कॉटेजेस का। हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। एक्चुअली सुबह से ना मेरा मूड थोड़ा सा खराब हो रखा था क्योंकि मैं रात को सो नहीं पाई अच्छे से ना, तो मुझे इरिटेशन हो रही थी, बट यहाँ पे आने के बाद तो इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा व्यू है ना पीछे का, बहुत मजा आ रहा है। और ये पीछे हमारे कॉटेजेस हैं आप देख सकते हो, और पीछे रिवर साइड का व्यू है। आओ ना इधर ये फ्रेम में, होटल अच्छा होना चाहिए क्योंकि वो खराब हुआ तो पूरा मूड खराब हो जाता है। यस, तो बस अब एक व्यू दिखा दे पूरा चारों ओर से रिवर। मैं अभी आपको व्यू दिखाती हूँ, पर मैं पहले आपको बता देती हूँ थकान पूरी सबकी निकल गई है यहाँ का व्यू देख करके, पहले आप व्यू देखो। ये देखो गाइस बेतवा रिवर है, वहाँ पे कुछ लोग भी हैं नीचे, और ये सारी बहती हुई ऐसे, और हम लोग वहाँ जा सकते हैं। हाँ हम लोग, और ये हमारा लॉन है और ये हमारे कॉटेजेस है, ये हमारा रूम है, वो नितिन का रूम है, और ये तुषार है। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। चलो
थोड़ा सा हमारा डिफरेंस है हमारे रूम्स में, थोड़ा सा एकदम, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर है। आ जाओ। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आजा बहू ही सास थी। तो ये कुछ ऐसा है, यहाँ सिटिंग एरिया है, थोड़ा सा ना ये वैसा एंटीक लुक वाला है, हेरिटेज टाइप का वो फील आता है। ये देखो दिखा दिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा फोर्स वगैरह है तो उस हिसाब से यहाँ पे आर्किटेक्चर है पूरा, लाइटिंग वगैरह ये सब आपको दिख रहा होगा थोड़ा डिफरेंट है। क्वार्टर बहुत अच्छा है मगर पूरा एक बड़ा बाथरूम जिसमें पार्टी कर सकते हो बैठ के। हाँ यार मस्त है, मतलब इतना बड़ा है कि आराम से एक बेड आ जाएगा, इतना बड़ा बाथरूम। और यहाँ से हमको सुबह सुबह देखने को मिलेगा इतना प्यारा व्यू। वाओ। तो गाइज मैं आपको बता दूं, हमारे जो गाइड थे जो हमने वहाँ पे बुक किए थे, उन्होंने हमें बताया कि जो अपना जहांगीर फोर्ट था या फिर राजा महल कौन सा था, जहांगीर फोर्ट, वो वहाँ के जो जिन्होंने बुंदेल राजा जो थे उनके ही वंशज से आगे जो राजा बनते हैं उन्हीं में से राजा जो है, मतलब जो राजा अभी भी हैं उनका, मतलब उनकी फैमिली, हाँ उनकी फैमिली से हैं, उनका सरनेम मुझे पता है मधुकर है, बाकी पूरा मैं याद नहीं कर पाया, उन्होंने वीडियो में बताया था, मे बी आपने देखा हो या फिर जब आपने सुना हो, तो उनका ही ये पूरा रिजॉर्ट है और बहुत ही सुंदर है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि अभी मैंने बहुत सारे तरह के तो पक्षी देख लिए यार, डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल, और नेचर के बहुत ही क्लोज्ड है यार, और अमेजिंग है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। चलते हैं अपना पूल साइड में या फिर रिवर साइड में, जहाँ पे जाने का मन करे। तो गाइस आज का दिन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहा, हमने बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट की, बहुत मजे करे, हम लोग ज्यादा आप लोगों से बात नहीं कर पाए क्योंकि क्या था कि गाइड थे साथ में, और फिर हम उनकी बात नहीं क्रॉस करना चाहते थे, तो हम सुन रहे थे, तो हमारा फोकस था हम शूट कर लें और साथ साथ उनकी नॉलेज ले लें, जो बता रहे हैं वो चीजें सुन ले कि कब क्या हुआ था, कौन सी रानी की क्या इच्छा थी, उसके हिसाब से राजा ने क्या किया था, तो वो सब सुनी हमने और बहुत मजा आया, बहुत ग्रीनरी मिली यार, और मॉनसून में आना ना ओरछा अमेजिंग है। और सबसे बेस्ट हमारा ये होटल है क्योंकि इसमें जो रिवर साइड व्यू है ना वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लाइक हमारे रूम के जस्ट सामने रिवर है, बेतवा रिवर है, बहुत ही अमेजिंग है। हम सुबह आपको रिवर साइड जाके दिखाएंगे कि यहाँ पे कितना अच्छा व्यू है, क्योंकि अभी तो सामने पेड़ पौधे थे तो वो फील नहीं आ पा रहा था, लेकिन जब रिवर साइड सुबह हम जाएंगे उठ के तो जब हम आपके साथ वो वीडियो क्लिप शेयर करेंगे, तो कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा रिवर साइड व्यू, तो उसके लिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए जरूर जरूर हमारे साथ बने रहना। शाम को आपने मे भी अगर मैंने एक दो वीडियो में डाला भी है तो वो फील नहीं आ पाया क्योंकि वहां पे ना बीच में बहुत सारे पेड़ थे, और सुबह क्या होगा, सुबह में जो है आपको रिवर साइड हम लोग जाएंगे, वहां की पूरी फुटेज आपके साथ शेयर करेंगे, तो कल के ब्लॉग में वो करेंगे, क्योंकि अभी अपना हो गया डिनर टाइम और हम लोग थक गए थे तो थोड़ा रिलैक्स किया हमने, अब हमने खाना ऑर्डर किया है, थोड़ी देर में खाना आ जाए फिर खा पी के अपना सोते हैं, तो मैंने सोचा कि आज की क्लिप्स है ना उसमें थोड़ा सा बियर कर लेना, बात कम कर पाए थे लेकिन हमने एंजॉय किया, हम फील कर रहे थे, आप भी इन क्लिप्स को देखे ना फील करना, क्योंकि आप ट्रैवल के लिए प्लान कर रहे होगे तो ऑब्वियसली आपको भी देखना होगा कि कैसा है, क्या सुंदर है, और बिल्कुल आइसोलेटेड है ये होटल, ऐसा नहीं है कि भीड़ भाड़ है, बहुत ही कम यहाँ पे लोग भी है ना, तो सबको पता है कि अपनी अपना आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है, सब अपने अपने रूम्स में है, और कोई बाहर आ भी रहा है तो भीड़ देख के वहाँ पे नहीं जा रहा है ऑब्वियसली। एंड मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बता देता हूँ कि ओरछा सबसे बड़ी जो मतलब यहाँ की एक मेन चीज है, डेफिनेशन आप कहोगे मीनिंग कहो जो भी, मतलब एक ऐसा होता है ना इंसान एक चीज के बारे में जानना चाहता है, तो ओरछा वर्ड का मीनिंग है हिडन, इसलिए इसको बोलते हैं हिडन सिटी ऑफ एमपी। तो हमें आगे बहुत अच्छा लगा, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था, लेकिन हाँ हमने गाइड से पूछा था कि यार अप्रैल मई में आओगे ना तो 47 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है, ये मौसम बेस्ट है यहाँ पे अगर आपको आना है, मॉनसून में अगर आ रहे हो तो अमेजिंग है, मॉनसून में ऑब्वियसली यार हिल्स पे जाना थोड़ा वो जाता है दिल्ली एनसीआर वाले हम लोगों के लिए, तो इस सीजन में आप यहाँ पे चिल आउट कर सकते हो, हाँ किसी के लिए भी सही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम लोग ज्यादा उसी साइड जाते हैं, तो ये साइड भी आप ट्राई कर सकते हैं, एकदम हिडन है, और अब धीरे धीरे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने देखा यूरोपियन स्टाइल के वॉशरूम में फैसिलिटीज भी हैं, तो बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और पहले इसका हेरिटेज का वो नहीं मिला हुआ था लेकिन अभी मिल गया है ऐसा वो बता रहे थे हमारे गाइड, और गवर्नमेंट भी काफी इन्वेस्ट कर रही है, आपने देखा होगा एक जगह पे बिजली गिरी थी वहां पे वो टूट गया था, गाइड ने हमें बताया था जो अपना जहांगीर महल के पास था, वो गवर्नमेंट बना रही है, तो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि वो चाहती है टूरिस्ट यहाँ पे भी आए, इस जगह को भी ट्राई करें। तो चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे ही एंड करते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल के ब्लॉग में, बहुत ही एक्साइटिंग होगा होपफुली कल का भी ब्लॉग, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, अगर अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम एनालिटिक्स देखते हैं और उसमें से आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लो, अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तब भी आप देखते हो, क्योंकि आपके पास क्लिप्स आती रहेंगी, हाँ ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके साथ,
तो प्लीज वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। परेशान आदमी आ गया, आजा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।